हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ मावा कुल्फ़ी की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग दूध लेते हैं, अपने मिल्क बॉयलर में दूध को डालते हैं। तो ये देख पा रहे होंगे सूरज जी को दूध डाल रहे हैं मिल्क बॉयलर में। तो चलिए फ्रेंड्स, दूध को डाल लेते हैं। 10 लीटर का मैं बना रहा हूँ फ्रेंड्स, 10 लीटर मावा कुल्फ़ी बना रहा हूँ। तो ये देखिए मिल्क को मिल्क बॉयलर में डाल रहे हैं। सूरज जी थोड़ा इसका पैकेट दिखा दीजिएगा मेरे व्यूअर्स को। तो ये देखिए, ये फुल फैट वाला दूध है फ्रेंड्स, जो कि आप देख ही पा रहे होंगे वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको गैस ऑन करूँगा, उसके बाद फ्रेंड्स मैं इसका मोटर ऑन करूँगा बॉयलर का। चलिए एक हो गया, अब दूसरा भी कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसका मोटर ऑन करता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये स्टार्ट हो गया है बॉयल होना। तो फ्रेंड्स, आप सब देख ही पा रहे हो कि दूध बॉयल हो रहा है। तो चलिए मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए दूध बॉयल हो रहा है। चलिए मैं आपको कुछ रॉ मटेरियल दिखा देता हूँ। ये देखिए खोया है, चीनी है, कस्टर्ड पाउडर और आरारोट मैंने ले लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, हल्का हल्का दूध उबलने लगा है। तो आपको फर्स्ट उबाल में चीनी को डालना है। तो ये देखिए दूध अच्छे तरीके से बॉयल हो रहा है। ये देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, हल्का हल्का उबाल आने लगा है दूध में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूध में उबाल आ चुका है। तो अब मैं इसमें चीनी ऐड करूँगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स चीनी ऐड करके। चलिए चीनी को मैं ऐड कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको 10 लीटर दूध में 2 केजी चीनी को डालना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने चीनी डाल दिया है। अब मैं इसमें इलायची पाउडर भी डालूँगा ताकि दोनों साथ में मिक्स हो। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए इलायची पाउडर है। तो चलिए 10 लीटर दूध में आप 3 से 4 चम्मच इलायची पाउडर डाल दीजिएगा। चलिए ये देखिए, मैंने इलायची पाउडर भी डाल दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा कुल्फ़ी में। तो फ्रेंड्स, आप देख ही पा रहे होंगे कि इलायची पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूध फिर से बॉयल होने लगा है, दूसरा उबाल आ चुका है। तो चलिए अब मैं आरारोट इसमें डालूँगा। तो फ्रेंड्स, मैंने 200 ग्राम आरारोट लिया है जो कि मैंने पानी में मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद फ्रेंड्स मैं कस्टर्ड पाउडर लेता हूँ। ये देखिए कस्टर्ड पाउडर भी फ्रेंड्स आपको 200 ग्राम ही लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, कस्टर्ड पाउडर को मिला लेते हैं। ये देखिए कस्टर्ड पाउडर आप फ्रेंड दूध में डालेंगे तो कलर आ जाएगा कस्टर्ड पाउडर से ही, तो कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो चलिए कस्टर्ड पाउडर को भी डाल लेते हैं फ्रेंड्स। तो आप देख ही पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि दूध में ऑटोमेटिक कलर आ गया है कस्टर्ड पाउडर डालने से। और देखिए बहुत ही बढ़िया से सभी चीज़ मिक्स हो गया है, ये देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स आप। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देख सकते होंगे कि मैं खोए को भून रहा हूँ। तो खोए को अच्छे से ब्राउन कर लेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए, मैंने 1 केजी खोया लिया है। तो चलिए खोए को भूनते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स,
हमारा खोया फाइनली ब्राउन हो चुका है। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। और ये देखिए मैंने कुल्फ़ी को भी थोड़ा सा पानी में रखा है ठंडा होने के लिए। तो चलिए मैं इसमें कौन सा एसेंट डालूँगा दिखाता हूँ आपको। ये कुल्फ़ी फ्लेवर मैं डालने जा रहा हूँ, 10 ml मैं डालूँगा फ्रेंड्स। तो चलिए दो ढक्कन डाल देते हैं, एक ढक्कन 5 ml का होता है फ्रेंड्स। तो चलिए मैंने 10 ml डाल दिया है। तो चलिए अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए इसको मैं अब अच्छे से मिला लेता हूँ। इसको फ्लेवर को डालने के बाद फ्रेंड्स आपको खोया को डालना है। तो चलिए फ्रेंड्स खोया ठंडा हो गया है, मैं इसको थोड़ा सा चूर कर लेता हूँ, नहीं तो हर बाइट में खाने को नहीं आएगा खोया, कुल्फी में अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा चूरा कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं खोए को डालता हूँ कुल्फ़ी में। तो फ्रेंड्स आपको 1 kg खोया डालना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैं खोए को कुल्फ़ी में डाल रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स खोए को मैंने डाल दिया है, अब इसको फ्रेंड्स मैं मिलाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसको अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये अच्छे से मिल चुका है, आपको मैं दिखाता हूँ फ्रेंड्स इसको स्ट्रक्चर की कितने बढ़िया से ये मिला है। तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं इसको मोल्ड में डालूँगा। चलिए अब मैं इसको मोल्ड में डालता हूँ। देखिए मैंने ले लिया है मोल्ड। चलिए फ्रेंड्स अब मोल्ड में डालते हैं इसको। तो फ्रेंड्स ये देखिए राउंड वाला मोल्ड है, गोल वाला, ये आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। चलिए अब इसको वाइपर से साफ करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको इसी तरीके से आपको मावा कुल्फी बनाना है। चलिए अब इसको अच्छे से मोल्ड में डाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरा अभी एक कंप्लीट होने वाला है। तो ये देखिए एक कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब दूसरा ले लेते हैं, उसमें ले लेते हैं कुल्फी को। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसको दूसरा वाले में भी कुल्फी डाल लिया है मैंने। तो चलिए अब देखिए इसको अच्छे से बराबर करने के बाद फ्रेंड्स इसमें मैं लगाऊंगा होल्डर को। तो देखिए ये दोनों मेरा फाइनल हो चुका है। होल्डर लगा के दिखाता हूँ। तो चलिए ये देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से आपको होल्डर लगाना है। ये शायद एक स्टिक टेढ़ा हो गया है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको सीधा कर लेते हैं। तो चलिए ये देखिए एक तो लगा लिया है। तो चलिए इसको करनी मशीन में रखते हैं जमने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स करनी मशीन में रख दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब दूसरा लेते हैं। चलिए दूसरा भी रख दिया। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए ये जम चुका है, मैं अब इसको निकाल के दिखाता हूँ आप सभी को। ये देखिए इसको मैं पानी में
थोड़ा सा घुमा रहा हूँ, तो चलिए इसको मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, इतने अच्छे से जम चुका है ये। तो ये देख पा रहे होंगे फ्रेंड, ये कुल्फी तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसको फ्रीज होने के लिए रखते हैं। इसको मैं आपको रैपर में भी दिखाऊंगा। तो चलिए इसको मैं फ्रिज में रख देता हूँ, जो कि दो तीन होल्डर मैंने पहले भी निकाल लिया था। देखिए फ्रेंड्स, ये मावा कुल्फी जो था मेरा, मैंने इसको रैपर में डाल दिया है। दिखाता हूँ मैं आपको एक फ्रूट का। तो ये देखिए मावा कुल्फी का रैपर है, जो कि मैंने मावा कुल्फी ही बनाया है, तो रैपर में डाल दिया है। मैं इसको आपको खोल के भी दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देख पा रहे होंगे कि कितने अच्छे से कुल्फी तैयार हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम लोग की मावा कुल्फी तैयार हो चुकी है, जो कि आप भी बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Wanna be happy, wanna make change, but I don't know.